नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ICICI बैंक की एक धमाकेदार स्कीम के बारे में, जिसके अंदर आप पैसा लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। FD से आराम से 3 से 4 गुना तक आप रिटर्न ले सकते हो। ये स्कीम ऐसी है, कोई भी पैसा लगा सकता है और 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे आप हर महीने 500 रुपये लगाओगे तो आराम से उसका आपका बन जाएगा 75 लाख रुपया। यानी कि 500 रुपये का 75 लाख कैसे, आगे देखते हैं वीडियो में क्या कुछ खास है। ICICI बैंक एक बड़ी बैंक है, प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, HDFC के बाद नंबर 2 की बैंक है और बहुत सारे लोगों के अकाउंट है और बहुत ही अच्छी और ट्रस्टेबल बैंक है, इसलिए हम आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे यारो। अरे सब्सक्राइब कर लो मेरे यारो, आप सब्सक्राइब नहीं करते, और वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों यारो। साथियों, सबसे पहले बात करते हो, ये स्कीम का नाम है ICICI प्रूडेंशियल कॉमोडिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऐप पैसा जाता है म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड यानी कि रिक्स, आपका पैसा जाता है शेयर मार्केट में, इसलिए सोच समझ के डालिए। आपको अच्छा लगे तो डालिए, नहीं लगे तो नहीं डालिए। यहाँ पे बात करते हैं इसके रिटर्न, इसने लास्ट 6 महीने में रिटर्न निकाल के दिया है 21.84%, यानी कि 22% तक रिटर्न है। अभी बात करें तो एक साल का रिटर्न है 23.26, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है लास्ट 1 ईयर में। अभी बात करते हैं 3 साल की, तो लास्ट 3 साल में इसने रिटर्न निकाल के दिया है 44.58, यानी कि काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने निकाल के दिया है 3 साल के अंदर। अभी दोस्तों आगे बात करें तो ऑल टाइम, मतलब ये जब फंड आया है तब से इसने रिटर्न निकाल के दिया है 36.61%, इसने रिटर्न निकाल के दिया है, इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। FD से बहुत ही ज़्यादा इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा। अभी साथियों बात करें तो इसके अंदर पैसा कैसे लगाना है, आप SIP कर सकते हो। SIP मतलब क्या, हर महीने आपको पैसा लगाना है 500, 1000, 2000, जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से। और आगे बात करें तो लमसम यानी क्या, एक साथ पैसा डाल देने का फिर भूल जाने का, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, जितना भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। अभी इसकी बात करें तो फंड साइज, यानी कि कितना रुपया लोगों ने लगाया है, इसके फंड साइज है 1162 करोड़, इतना 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपया लोगों ने लगाया हुआ है। और बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो मतलब क्या, म्यूचुअल फंड हमारा फंड मैनेज करता है, उसके बदले में हमको चार्ज देना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। ये 1.03 है, इसलिए भी ठीक ठाक है, 1% से ज़्यादा है। अभी बात करें एग्जिट लोड, मतलब बीच में आपको स्कीम क्लोज करवा देनी है तो 1% पेनल्टी लगेगी और आपकी स्कीम क्लोज हो जाएगी। अभी साथियों बात करें तो आपके पास तो पैसा ले लेता है, लेकिन ये पैसा डालता कहाँ है। इसकी होल्डिंग्स के बारे में बात करें तो सब कॉमोडिटी रिलेटेड कंपनी है, जैसे कि पहला है ये आप देख सकते हो जिंदा स्टील एंड स्टेनलेस स्टील लिमिटेड है 8.5%, फिर टाटा स्टील में इसने 8.5% लगाया है, JSW स्टील में इसने 8% है, अल्ट्राटेक सीमेंट में 7.5% है, फिर जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड में 6.25% है, यानी कि सब सीमेंट और स्टील की कंपनियां है क्योंकि ये कॉमोडिटी फंड है। फिर NMDC स्टील में इसने 6.25% लगाया है, फिर ग्रासिम इंडस्ट्रीज में इसमें 5.5% है, अंबुजा सीमेंट में 4.5% है, SEC लिमिटेड में इसने 4.25% लगाया है और हिंडाल्को इंडस्ट्री में भी इसमें 3.5% लगाया है, यानी कि सब सीमेंट ऑयल वगैरह की इंडस्ट्री है, कॉमोडिटी इंडस्ट्री है, उसमें पैसा लगाया है। अभी साथियों बात करें तो आप कितना पैसा लगाओगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं 500 रुपया, हर महीने 500 रुपया लगाओ, 500 रुपया लगाने में कुछ जाता नहीं है, कुछ टेंशन भी नहीं है। 500 रुपया लगाओ 10 साल तक तो आपका जेब से जाएगा 60,000 और उसके सामने मिलेगा 376,000 रुपया, यानी कि 4.25 लाख रुपया। अभी आगे बात करें तो 500 रुपया 15 साल तक लगाओगे तो आपसे जेब से जाएगा टोटल 90,000, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 90,000 और उसके सामने मिलेगा 17,26,000 रुपया, यानी कि 17 लाख रुपये तक आप आराम से रिटर्न ले सकते हो। अभी बात करें तो अगर 500 रुपया 20 साल तक लगाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000 और उसके सामने आपको रिटर्न मिलेगा 76,62,000, यानी कि 75 लाख से ज़्यादा रुपया आपको रिटर्न मिल जाएगा। अभी 500 रुपया 25 साल तक लगाओगे तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1.5 लाख और उसके सामने मिलेगा 3,38,00,000 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा ये स्कीम है। आज ही आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ICICI बैंक विजिट कीजिए या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ज़्यादा मत करना क्योंकि इसमें रिक्स बहुत है, छोटी छोटी कंपनियाँ होती है, इसलिए 500,000 वाला कर दो और भूल जाओ। जय हिंद, जय भारत।